अभी हम 84 में 12 का डिवाइड करना सीखेंगे। देखिए, यदि यह हमारी दो अंकों की संख्या है तो हम पहले दो अंकों को यहाँ पर शामिल कर लेंगे, ठीक है। यदि एक अंक की संख्या होता है तो पहले हम एक अंक को लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरे अंक को काम में लेते हैं। ऐसा स्टेप बाई स्टेप पहले आपको ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब हम 12 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें 84 से बड़ा ना मिले। देखिए, 12 को मैं 7 से गुणा करता हूँ तो कितना, 14। देखिए, एग्जैक्ट हमें 84 मिल गया। किससे गुणा करने पर? 7 से गुणा करने पर। किससे गुणा किया हमने? 7 से गुणा किया, कितना मिल गया? 84 मिल गया। फिर हम क्या करते हैं, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है, इसमें घटाना होता है। 84 माइनस 84 क्या आ गया? 0। ये हमारा क्या बन गया? भागफल। और ये 0 हमारा क्या बन गया? शेषफल, ठीक है। 84/12 बराबर कितना आ गया हमारा? 7 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा डिवाइड हो जाता है।